हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने सिख जेपीएससी की दास्तां सुनाने वाला हूं। ऐसे तो भारत सरकार ने 12 पंचवर्षीय योजना चलाई थी, लेकिन झारखंड ने एक 13वीं पंचवर्षीय योजना चलाई जिसका नाम है सिख जेपीएससी। यूं तो जीपीएससी काफ़ी लेट चल रही थी, 4 जेपीएससी से तो काफ़ी घोटाला था, 5th जेपीएससी से थोड़ा हाल सुधरा। दिसंबर 2013 में जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, 5th जेपीएससी का पीटी का, और 2015 में फाइनल ज्वाइनिंग हो गई। सबने कहा कि जेपीएससी सुधर गई है और पंक्चुअल हो गई है, तो हमने भी फिर 6th जेपीएससी का फॉर्म नवंबर 2015 में फिलअप किया, पर 6 महीने बीत गए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। फाइनली अक्टूबर 2016 में इन्फॉर्मेशन आई कि जेपीएससी का एग्ज़ाम होगा, 6th जेपीएससी का, दिसंबर 16 को उसका पीटी का एग्ज़ाम होगा। हम काफ़ी खुश हो गए। यूँ तो हमने मेहनत की थी, पर कुछ नंबर से बीपीएससी में, रेलवे में, यूपीपीसीएस में मिस हो जाया था एग्ज़ाम, तो सोचा कि इस बार अच्छे से मेहनत करेंगे, जो कमी रह गई उसको दूर करेंगे और झारखंड में क्वालिफाई करेंगे। स्पर्धा की बुक परचेज की और झारखंड पे फोकस किया। एग्ज़ाम अच्छा हुआ, जेपीएससी ने भी कमाल कर दिया, 2 महीने में ही पीटी का रिजल्ट दे दिया। 326 पोस्ट थी टोटल और उसके अगेंस्ट में अराउंड 5000 रिजल्ट पब्लिश हुआ था। हम काफ़ी खुश थे कि चलो भाई, मात्र 5000 मेंस की कॉपी होगी तो जल्दी जल्दी कॉपी चेकिंग हो जाएगी, फिर इंटरव्यू होगा और ऊपर वाले की मेहरबानी हुई तो जल्दी जॉब मिल जाएगा। लेकिन लाइफ इतनी सिंपल कहाँ होती है। कुछ समय के बाद मालूम चला कि झारखंड हाईकोर्ट के कहने पर कुछ एडिशनल रिजल्ट ऐड किए गए हैं, कुछ आरक्षण ठीक ढंग से दिया नहीं गया था, जो रिजल्ट जो 5000 के अराउंड में था वो बढ़ के 6100 हो गया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जेपीएससी का सिलेबस काफ़ी वास्ट था और जेपीएससी ने अपना पहला जो मेंस का डेट है वो नवंबर 2018 में रखा। हम उसके लिए तैयारी करने लगे, ट्यूशन व्यूशन सब जो पढ़ाते थे उसको छोड़ दिया और जम के तैयारी करने लगे। फिर अक्टूबर में मालूम चलता है कि नवंबर में मेंस का एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, जो अपना कोचिंग स्टार्ट किया था उसको बंद करना पड़ा। फिर से आए, फिर से कोचिंग खोलने के में लग गए, कोचिंग फिर से चालू भी हो गया। अभी दिसंबर हुआ ही था कि मालूम चला कि नहीं जी, अब जेपीएससी जो है इस बार तो मेंस का एग्ज़ाम ले ही लेगी जनवरी 2018 में। फिर हमने कोचिंग का आइडिया ड्रॉप कर दिया और मेंस के लिए घर आ गए, पढ़ने लगे। फिर जब कुछ ही दिन रह गए थे, मेरे ख्याल से 2-4 ही दिन रह गए थे, तो जेपीएससी ने अनाउंस किया कि नहीं, अपरिहार्य कारणों से मेंस का एग्ज़ाम अभी नहीं हो पाएगा। ऐसा बस झारखंड में ही हो सकता है। कोई बात नहीं जी, हमने सोचा चलो 1-2 महीने के बाद होगा, जो थोड़ा बहुत रह गया उसको हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, पर झारखंड सरकार को तो अपना वोट बैंक दिख रहा था, स्टूडेंट्स के कैरियर से उनको कोई मतलब नहीं था। उन्होंने सोचा कि यार 2019 में चुनाव है और हमने मात्र 6100 रिजल्ट दिए हैं और अभी कोई जेपीएससी तो आने वाला है नहीं, झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम हमने लटका के रखा है, उसको रद्द कर दिया है, ठीक है, तो यही मौका है अपना वोट बैंक बनाने का। तो उन्होंने फाइनली अगस्त 2018 में 28000 और एडिशनल रिजल्ट दिए और जो रिजल्ट पहले केवल 6000 था वो बढ़ के 34000 हो गया। दिल के अरमासुओं में बह गए। हमने सोचा था कि मात्र 5000 मेंस में बच्चे अपीयर होंगे, ठीक है, या 6100 बच्चे मेंस में अपीयर होंगे, जल्दी से कॉपी चेकिंग हो जाएगी और 2018 ख़त्म होते होते हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहाँ होता, ठीक है, कि लाइफ आसानी से आपको कोई चीज़ दे दे, ठीक है। फिर भी सितंबर में जेपीसी ने कहा कि मेंस के लिए फॉर्म सबमिट करना है। 34000 में से अप्रॉक्स 27000 बच्चों ने फॉर्म सबमिट किया और मेंस का एग्ज़ाम जो है वो फाइनली जनवरी 2019 के लास्ट में हुआ, ठीक है। एक गुगली और क्या हुई कि जब आपको सबको एडमिट कार्ड इशू करना ही था तो आपने मात्र 27000 बच्चों से ही मेंस का फॉर्म फिलअप करने क्यों कहा। एक और मजाक स्टूडेंट्स के कैरियर के साथ।
पंकज पांडे स्टूडेंट ने हाईकोर्ट में केस किया था कि वैकेंसी के विरुद्ध, वैकेंसी का मतलब नियम ये है कि जितना पीटी का सीट्स है उसका 15 टाइम्स आपको मेंस के लिए बच्चों को पास करना है, तो किस बुनियाद पे आपने 106 टाइम्स रिजल्ट दे दिया, 34,000 बच्चों को किस बुनियाद पे आपने पास किया। मैटर झारखंड हाईकोर्ट में गया और गुस्ताखी माफ, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट भी उस टाइम तक सोती रही। 3,000 बच्चे इवन 2-3 दिन तक प्रोटेस्ट करते रहे, पिछले दिन तक एग्जाम के एक दिन पहले तक प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट नींद में सोए रहा, अलाउ किया कि वो सारे 28,000 बच्चे अपीयर किए जिनको एडमिट कार्ड इशू हुआ था। मीडिया की माने तो 28,000 में से हार्डली 19,000 बच्चों ने मेंस में मेंस के पेपर दिए, ठीक है चलो जी मेंस का पेपर हुआ, क्वेश्चन वही 2 साल पुराना था और कुछ क्वेश्चंस पे हल्का फुल्का टिक किया गया था। एग्जाम हो गया और कहा गया कि अब जो है जो हुआ सो हुआ, कॉपी फटाफट चेक होगी और 4 से 5 महीने में मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ रिश्तेदार पूछ रहे हैं, घर वाले पूछ रहे हैं, बेटा क्या हुआ, कब रिजल्ट आएगा, और हम कहते कि बस अब जेपीएससी संभल गई है, झारखंड सरकार संभल गई है, जुलाई में तो रिजल्ट आना ही आना है, ठीक है। एज भी हो गई है, शादी का मैटर भी यहीं पे रुका हुआ है, नौकरी है नहीं तो कोई अपनी लड़की से शादी करने को तैयार नहीं है, और भी घर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम घर में बड़े हैं पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं, बाकी एग्जाम्स के लिए एज खत्म हो गई है, पूरा जो उम्मीद है वो झारखंड से टिका हुआ है, लेकिन झारखंड जेपीएससी और झारखंड हाईकोर्ट बैंड बजा के रखी है। हर टाइम यूट्यूब पे, गूगल में, पेपर में यही ढूंढते रहते हैं कि अब 6 जेपीएससी मेंस का रिजल्ट के बारे में कोई न्यूज़ आए, पर कोई खबर नहीं, लाइफ बिल्कुल कलरलेस हो गई थी। ये तो बोलिए कि फैमिली का पूरा सपोर्ट है, भाई बहन का इतना साथ है, दोस्तों का साथ है, इसलिए डिप्रेशन में नहीं गए, टूटे कई बार लेकिन इट्स ओके। फाइनली झारखंड हाईकोर्ट नींद से जागी और कई बार मैटर पोस्टपोन्ड करने के बाद 16 सितंबर को कहा कि हमने डिसीजन ले लिया है और डिसीजन को रिजर्व रखा है, और अक्टूबर में फाइनली झारखंड हाईकोर्ट कहती है कि जो बाकी के 28,000 बच्चे हैं उनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाए और जो स्टार्टिंग में 6100 बच्चे पास हुए थे उनका रिजल्ट दे दिया जाए। देखिए क्या मजाक है, जब आपको पता है कि झारखंड सरकार ने गलत किया, ठीक है, कहीं भी विश्व, भारत में ही नहीं विश्व में कहीं ऐसा नहीं होता कि 326 पोस्ट हैं और आप 34,000 बच्चों को पास करें, एक काम कर लेते उससे अच्छा यही मेंशन कर देते कि जो भी पीटी के एग्जाम में बैठेगा, 80,000 के बच्चे पीटी एग्जाम में बैठे थे, सबको ही मेंस का एडमिट कार्ड दे देते, ठीक है, वो फिर थोड़ा ठीक भी लगता, ऐसा मजाक करने का क्या जरूरत था। तो एक तो पहले आपने उनको अलाउ किया मेंस में बैठने के लिए, जब बच्चों ने मेहनत की मेंस में बैठ गए, ठीक है, तो उसके 8-9 महीने के बाद आप कहते हैं कि अब उनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाए। सोचिए उसमें से कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनकी एज खत्म हो गई होगी, लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा, इतनी उम्मीदें, इतने इमोशन जुड़े हुए होंगे, शादी ब्याह का मैटर, पैसों का मैटर, बहुत सारा मैटर उससे कनेक्टेड होगा, और आप इतने लेट से आसानी से डिसीजन दे दिया कि हाँ 28,000 बच्चों का रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाए। चलिए अब जो 28,000 बच्चों के लिए तो दुख है ही, कम से कम 6100 का रिजल्ट आ जाए, पर नहीं, अभी सरकार को और खींचना है, क्यों, क्योंकि वोट है, इलेक्शन है, 30 नवंबर से इलेक्शन है, तो सरकार ऐसे कैसे जाने देगी, यही इलेक्शन नहीं रहता तो भाई झारखंड हाईकोर्ट का फैसला है और कोर्ट जो है वो सर्वोच्च है, हम उसके डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन उसको अभी अपना 28,000 वोट बैंक दिख रहा है, वो बच्चे को नाराज कैसे कर सकते हैं। तो अब सुनने में आया है कि झारखंड हाईकोर्ट, ठीक है, स्पेशल लीव पिटीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, ठीक है,
या ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले। या ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले। जल्दी से जेपीएससी के थ्रू नौकरी दे दे। समझिए सर, 5 साल हो गए, कोई भी राज्य ऐसा नहीं करता सर। बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स, रिलेशन में प्रॉब्लम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाने की प्रॉब्लम। कुछ अच्छा नहीं लगता सर, सब कलरलेस लगता है, लगता है अपना कोई वजूद ही नहीं है। बाकी एग्ज़ाम्स के लिए एज ख़त्म हो गई है, और जिसके लिए बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, प्रे कर रहे हैं, वो अधर में लटका हुआ है। कुछ कीजिए सर, झारखंड में 70% जो बच्चे हैं वो 35 साल से कम हैं। आप उनके कैरियर को बर्बाद तो कर ही रहे हैं, साथ ही राज्य की और देश की तरक्की भी रोक रहे हैं। प्लीज़ सर, बहुत लेट हो चुका है, अब और देर ना करें और 6 JPSC का मैटर जल्दी से जल्दी सर शॉर्ट आउट करें। झारखंड सरकार, JPSC और झारखंड हाई कोर्ट, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स के करियर के साथ खिलवाड़ ना करें। अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते स्टूडेंट्स के कैरियर को बर्बाद ना करें। देखिए, बिहार भी कभी पंचवर्षीय योजना चलाता था, लेकिन जब से शिशिर सिन्हा साहब वहाँ के चेयरमैन बने हैं लास्ट ईयर से, देखिए क्या फटाफट रिजल्ट आ रहा है। तो उससे कुछ सीख लीजिए और टाइम पे एग्ज़ाम कराइए, चाहे झारखंड सचिवालय का हो, झारखंड टेट हो या JPSC हो, ताकि हमारा झारखंड राज्य भी आगे बढ़ सके और देश की तरक्की में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सके। जय हिंद, जय भारत।